अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना हो तो सबसे कठिन काम है बैंक जाना और बैंक जाकर के खाता खुलवाना। अगर आप ग्रामीण अंचलों में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन क्षेत्रों में रहते हैं तो वहां तो कई बार बैंकों के आप चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन बैंक वाले बोलते हैं आ जाओ कल आओ परसों आओ और आपका खाता नहीं खुलता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक समय था जब मुझे भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलना था तो मैं कई चक्कर लगाया, 3-4 महीने घूमता रहा, खाता नहीं खुल पाया। मुझे अंत में मेरा एक खाता अंबाला में था उसको ट्रांसफर करा करके कलकत्ता ले आना पड़ा, तब मेरा खाता चालू हुआ। ऐसे ही मैं गोरखपुर गया, वहां कौड़ीराम अंचल में जितने भी बैंक है खाता खोलना था, लेकिन वहां घूमते रहे, वो बोलते थे फॉर्म ही खत्म हो गया है। इस तरह की समस्या हो सकता है आप लोगों को भी होती हो। इन समस्त समस्याओं के निजात के लिए डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल मार्फत आप बैंक में खाता खोल सकते हैं, यह बहुत अच्छी सुविधा दी गई है भारत सरकार द्वारा, या फिर कह सकते हैं। आज के सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बैंक में कैसे ऑनलाइन या फिर अपने मोबाइल से ही खाता खोल सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा में 0 बैलेंस खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए अगले कुछ स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा करना क्या होगा। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप होता है BOB, वो सब दिखा रहा हूं मैं, उसको आप डाउनलोड करेंगे और जैसे जैसे उसमें बोलता जाता है आप करते जाएंगे आपका खाता खुल जाता है उसमें। फिर उसमें वीडियो KYC करना पड़ता है, वीडियो के माध्यम से आपका KYC करना होता है। उसके लिए फिर उसमें एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उसमें फिर कस्टमर केयर से आपके पास कॉल आता है, आप अपने मोबाइल का वीडियो ऑन करते हैं और वीडियो ऑन करने के बाद आपका बैंक में खाता खुल जाता है, आप उसमें ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हैं। आपको फिर ऐप के माध्यम से ही डेबिट कार्ड चेकबुक मंगाना है तो भी आप मंगवा सकते हैं। ऐसे ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी यह सुविधा दी गई है कि आपको फुल फ्लेज्ड खाता खोलना है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाइए या उसके ऐप में जाइए, अपना सारा विवरण भरिए, 5 मिनट के अंदर आपका खाता बन के तैयार हो जाएगा। आप फिर बैंक में जाइए, उसका प्रिंट आउट लेकर के जाइए या फिर कोड लेके जाइए। आप बैंक में जाके बताइए कि ये हमारा प्रिंट आउट है, आप उसके साथ अपना आधार और पैन जमा करिए, 2 मिनट में आपका खाता खुल जाएगा। बैंक के शाखा से कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि आप हमारे बैंक में खाता नहीं खोल सकते। यही प्रक्रिया पंजाब नेशनल बैंक में भी है। पंजाब नेशनल बैंक में भी आप ऑनलाइन पूरा फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप उसमें एक कोड आता है, वो कोड ले जाकर बैंक में दिखाते हैं कि ये मेरा कोड है, आप इस तरह से मेरा खाता चालू करिए, आपका खाता वहां भी चालू हो जाता है। भारतीय स्टेट बैंक में भी एक ऐप है योनो ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये तो हो गए सरकारी बैंक। इसी तरह से प्राइवेट बैंक भी कुछ बैंक है, जैसे कोटक है, ICICI बैंक है, ये बैंक भी आपको फ्री मतलब 0 बैलेंस खाता खोलने की अनुमति देते हैं ऐप के माध्यम से। अगर आपको बैंकों में खाता खोलना है तो आप इन ऐप की सुविधा उठा करके, चाहे आप जहां भी हो आपके शहर में, भले ही बैंक वाले मना करें लेकिन आप इस प्रक्रिया का पालन करिए, आपका बैंक में खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।